पूषा विश्व वेदा
सन्तु मह्यं नमः। ॐ विष्णु नराट विष्णु स्नप्ते स्तो विष्णु शूरसि विष्णु द्रोवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मृतो देवता विश्वकारः आग्नेय गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे गायत्री शक्तिपीठ आदिया तलाव झांसी में संपन्न हो रहे गायत्री महायज्ञ अपने निश्चित समय से एक घंटे की विलंब से चल रहे हैं, इसलिए हम एक घंटा ज्यादा खींचेंगे। बैठ सकते हैं कि नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया, आप लोग बैठ जाएंगे, बड़ी खुशी। इसलिए आप सभी के उत्साह उमंग और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहा कराने के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अच्छा, ठंडे में नहीं आया? गरम गरम पानी में जो ठंडे में ना आया मुझे रहा पूछा करें। वाह, आधी आबादी है एक जी का, बहुत बढ़िया। आप लोग ठंडे में नहाए बहुत अच्छी बात है, हमको तो गर्म पानी से नहा रहे हैं भाई साहब, बड़ी कृपा है, हीटर दे दिया है हमको। लेकिन पिछले कार्यक्रम में जब से कष्ट निवारण की क्षमता, दुख निवारण की क्षमता, ऐसे गायत्री महाविद्या के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में वर्णन किया है। गायत्री महाविद्या के आप सभी साधक हैं और आप सबको ये पता होना चाहिए कि गायत्री वास्तव में है क्या। गायत्री क्या है? मंत्र है, गायत्री मंत्र। इस दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, लेकिन गायत्री के समान महामंत्र इस दुनिया में कोई है नहीं। महामंत्र भी अनेक हैं, लेकिन गायत्री के समान कोई महामंत्र इस दुनिया में नहीं है। महामंत्र जितने जग मारे को गायत्री शमनाई, दुनिया में महामंत्र कितनों हैं, लेकिन गायत्री के समान महामंत्र इस दुनिया में कोई है नहीं। हमारे ऋषियों ने गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कुछ कहा है। अत्रि ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार से दूध का सार घी है, फूलों का सार शहद है, ऐसे ही वेदों का सार गायत्री महामंत्र है। गायत्री वेदों का सार है, बीज मंत्र है, ऐसे गायत्री महामंत्र का हमें नित्य निरंतर जप करना चाहिए। गायत्री महामंत्र ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। जिस प्रकार से ध्वनि की अपनी ताकत है, विचार की अपनी ताकत है, तरंग की अपनी ताकत है, तो ध्वनि विज्ञान के आधार पर गायत्री महामंत्र की रचना और उद्धन किया गया है। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर
नौ शब्द और तीन चरण। ये गायत्री महामंत्र की रचना हुई है। जो भी दीक्षा ले रहे नए उनको पता होना चाहिए, और लिए उनको पुराने को भी पता होना चाहिए। गायत्री महामंत्र ने 24 अक्षर, नौ चरण नहीं नौ शब्द और तीन चरण। आप गिनेंगे तो 24 अक्षर से ज्यादा हो जाता है। आपको लगेगा भाई साहब ने 24 बताया था, गिनती गड़बड़ की और मैं बढ़िया बढ़िया गिन रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन गिनती में गायत्री मंत्र असल में तत् से शुरू होता है। कहां से? तत् से शुरू होता है। गायत्री महामंत्र ओम पूर्वास्व से नहीं होता, बल्कि गायत्री मंत्र तत् से शुरू होता है। तो ओम पूर्वास्व क्या है? ओम पूर्वास्व पंच व्याहृतियां, पंच व्याहृतियां शुरू में जोड़ दी जाती है। ओम माने परमात्मा, ओम माने ईश्वर का नाम प्रणव, प्रणव कहते हैं ओम। ओम माने परमात्मा, भू माने पृथ्वी, भुआ माने पाताल और स्व माने स्वर्ग। अर्थात जो पृथ्वी पाताल और स्वर्ग आकाश तीनों लोक में व्याप्त है उस परमात्मा को स्मरण किया गया है। अब तीनों लोक में कौन व्याप्त है? वही व्याप्त है जो हर क्षण हर जगह हर जर्रे जर्रे में हर अणु अणु में हर जगह व्याप्त है, हर सेल समय व्याप्त है। वही परमात्मा तीनों लोक में व्याप्त है, उस परमात्मा को स्मरण किया गया। इसके बाद तत्, तत् माने वह कौन है? वह न तो देवी है न वो देवता है। तत् वह कौन है? वह है जिसे लोग अल्लाह, खुदा, पैगंबर, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, रूहानी ताकत, डिवाइन पावर जिस भी नाम से जानते हैं उस परमात्मा को स्मरण किया गया। न तो वो देवी है न वो देवता है, बल्कि वो सब कुछ है जिस रूप में आप मानते हैं। जाके रे भावना जैसी ताको मोर दिखाई देती है, जैसी आपकी भावना है वैसे वो दिखाई देती है। न वो नर है न मादा है, न वो साकार है न निराकार है। उसे जिस आकार में आप देखना चाहे वो है, चाहे तो आप उन्हें प्रकाश मान ले, चाहे तो उन्हें प्राण मान ले, चाहे तो उन्हें आप इम्यूनिटी पावर मान ले, और चाहे तो उन्हें डिवाइन पावर मान ले, चाहे तो आप उन्हें बिजली मान ले, विद्युत पावर मान ले। जैसे बिजली, आपने बिजली देखा, अनुभव किया, देखा तो नहीं बिजली को, बिजली दौड़ रही है तार के अंदर, और इस बिजली को आप चाहे तो इससे बल्ब जला लीजिए, बल्ब जल रहा है, चाहे तो आप पंखे चला लीजिए, चाहे तो आप माइक चला लीजिए। परमात्मा की शक्ति एक ही है, लेकिन उनकी विभिन्न शक्ति धाराएं हैं। बल्ब के रूप में जला तो बल्ब देवता, पंखा चलाया तो पंखा देवता, माइक चला दिया तो माइक देवता। नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ही शक्ति काम कर रही है, उसका नाम है बिजली। गायत्री एक बिजली है, गायत्री एक विद्युत ऊर्जा है, गायत्री एक शक्ति है, गायत्री एक करेंट है, गायत्री एक पावर है। लेकिन इसे व्यक्त होने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। ये बिजली अपने आप नहीं जल जाती, ये बिजली को जलाने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। बल्ब चाहिए तो बिजली जलेगी, बिना बल्ब के बिजली प्रकाश के रूप में दिख नहीं सकती, बिना पंखे के हवा का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तब होता है जब उसे साधन उपकरणों द्वारा फिट किया जाता है, तब पता चलता है कि हाँ साहब बिजली है। बिजली को करेंट को हाथ में छुइए तो पता चलेगा हाँ भाई करेंट है, अन्यथा आप बिजली को हाथ में पकड़ लेंगे तो बिजली आपको पकड़ लेगी और पहुंचा देगी ऊपर। दिखाई नहीं देता, कौन ले गया? बोले बिजली ले गई। अरे बिजली का कोई अस्तित्व तो नहीं, वो कभी ले जा सकता है? हाँ भाई साहब वो दिखता नहीं है, लेकिन होता तो है, वो ले जा सकता है। लेकिन इस बिजली को किसी ने प्रकट किया, इस बिजली के प्रकट करने वाले वैज्ञानिक का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एक वैज्ञानिक ने इसे प्रकट किया, उन्होंने बिजली का आविष्कार किया। आज लिखा जाता है फला व्यक्ति बिजली के आविष्कार। तो बिजली का कोई आविष्कार कर सकता है क्या? नहीं, बिजली का आविष्कार कोई कर नहीं सकता। बिजली तब भी था, बिजली आज भी है, और बिजली तब भी रहेगी, लेकिन इसके कुशल विशेषज्ञ जानकार घटते बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार से सोने की जानकारी हमको नहीं है, लेकिन सोने की जानकारी नहीं होने पर भी
सोनार जो होता है स्वर्णकार सोनार जो उसकी जानकारी रखता है विशेषज्ञ है वो बताता है जमीन से खोद के लाने के बाद कि साहब ये सोना है वो परिचय देता है आग में तपाता है पकाता है और खनखना खरा सोना सामने आ जाता है और जो मिश्रित धातु है मिट्टी है और कुछ है वो छन के अलग हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं साहब इस सोना को बनाने वाला कौन जौहरी। क्या नाम है जौहरी का नाम जौहरी का नाम है श्यामलाल। श्यामलाल जौहरी ने इसको बना दिया। साहब क्या बनाया सोने को बनाया। तो सोने को कोई जौहरी बनाता है क्या कोई स्वर्णकार बनाता है क्या। सोना को जो सोनार नहीं बना सकता। सोना ऑलरेडी प्रकृति में है जिसे हम न देख सकते थे न जान सकते थे न परख सकते थे उसी सोने को जौहरी ने अपनी विशेषज्ञता और कलाकारिता से गलाकर तपाकर अग्नि में पकाकर शुद्ध सोना को हमारे सामने प्रकट कर दिया अर्थात अब प्रकट को प्रकट करने वाला है मात्र सोनार। ऐसे ही भगवान कणकणे झरने झरने में हर जगह व्याप्त है। हम देख पाए तो न देख पाए तो गायत्री माता है तो है तत् वह परमात्मा है जिसे हम अनुभव नहीं कर पाए तो न देख पाए तो है लेकिन उसे कुछ लोग प्रकट करते हैं। इसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने प्रकट किया। मीरा ने गिरधर गोपाल को प्रकट किया। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को प्रकट किया। तब से हम जाने और उसे मानने लगे। ऐसे ही गायत्री माता को हम जाने और समझे। बोले गायत्री माता की बीच में बातचीत करने वालों की और नहीं करने वालों की भी आप शांति से बैठ जाएं। तो हम क्या बता रहे थे गायत्री महामंत्र की विवेचना कर रहे थे। ओम ऊर्ध्वस्वः तत् तत् माने वह परमात्मा सवितु वह सविता देवता। सविता देवता कौन सविता देवता गायत्री मंत्र के देवता गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के देवता सविता वह सविता देवता जो वरण करने योग्य है वरेण्यम जो वरण करने योग्य है भर्गो जो पाप नाशक है भर्ग माने जला डालने वाला भून डालने वाला भर्ग शक्ति गायत्री मंत्र में है। किसको जला देता है हमारे कलमस कसाय को पाप ताप को जलाकर नष्ट कर देता है। गायत्री महामंत्र में इतनी जबरदस्त ताकत है कि हमारे अंदर के कलमस कसाय को प्रारब्धों को दुख को क्लेश को सबको जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए उसमें भर्ग शब्द लगा है। भर्ग माने जला डालने वाला भून डालने वाला देवस्य यानी देवत्व प्रदान करने वाला धीमहि अर्थात धारण करने वाला धारण करने योग्य अपनाने योग्य स्वीकारने योग्य थामने योग्य अनुकरण करने योग्य उसे कहते हैं धीमहि। धियो माने बुद्धि योना हमारी हम सबकी बहुवचन में एक वचन में नहीं कहा बहुवचन में कहा मैं नहीं भी हम हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। कितना शानदार भावार्थ है गायत्री मंत्र का। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा को हम अपनी जीभ में नहीं मुंह में नहीं बल्कि हम अपने अंदर आत्मा में धारण करें वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इतना शानदार भाव है गायत्री महामंत्र का। ऐसे शानदार भाव को कौन नहीं जान सकता। इस मंत्र को भविष्य में इंटरनेशनल मंत्र बना दिया जाए तो आप आश्चर्य मत करना क्योंकि इस मंत्र में कहीं भी देवी देवता का नाम नहीं है। इसे मुसलमान भाई हो तो वो भी जप सकते हैं ईसाई हो तो भी जप सकते हैं यहूदी पारसी सिख जैन बुद्ध बहाई सब जप सकते हैं कौन नहीं जप सकता। इस गायत्री मंत्र को हर किसी को जपना चाहिए। भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। हर व्यक्ति को सद्बुद्धि चाहिए। दुर्बुद्धि व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाता है क्योंकि दुर्बुद्धि से दुष्कर्म दुष्कर्म से दुर्गति और सद्बुद्धि से सत्कर्म और सत्कर्म से सद्गति। इसलिए हर व्यक्ति को सच्चिंतन सद्भाव चाहिए सत्कर्म चाहिए सद्भाव चाहिए। इसलिए गायत्री महामंत्र की साधना अनिवार्य रूप से हर किसी को करना चाहिए। गायत्री महामंत्र की साधना करने से हमारे पाप ताप जलकर नष्ट हो जाते हैं।
वैसे तो किसी के पाप को काटा नहीं जा सकता, हमने कर्म का बीज बोया है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। शास्त्र कहता है अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा जो किया है। गुरु में भी ये सत्ता नहीं कि हमारे प्रारब्ध को काट दे, हाँ गुरु में ये शक्ति है कि वो बड़े दुख को छोटा कर सकते हैं, छोटे में निकाल सकते हैं। लेकिन गायत्री महामंत्र में इतनी क्षमता है कि हमारे प्रारब्धों को भी काटने की क्षमता रखते हैं। आइए आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जो गायत्री महामंत्र के माध्यम से अपने प्रारब्धों को काटने वाले एक संत हुए जिनका नाम था माधवाचार्य। आपने सुना होगा माधवाचार्य की कथा, कितने भाई बहन जानते हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। अरे आप तो सब पुराने साधक हैं, चलिए आपको पता नहीं तो सुना देते हैं। आप लोग गुरु जी का साहित्य पढ़ा कीजिए, स्वाध्याय किया कीजिए, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आप मिशन को नहीं जान पाएंगे, गायत्री को नहीं जान पाएंगे। बोले गायत्री माता की। वृंदावन के पास एक गायत्री के साधक रह रहे थे, उस साधक का नाम था माधवाचार्य। उस माधवाचार्य नाम के व्यक्ति ने अपने जीवन में गायत्री मंत्र की लंबी साधना की। उन्होंने लगभग 11-12 साल तक गायत्री के महापुरुष चरण किए। अब महापुरुष चरण क्या होता है पता है? महापुरुष चरण उसे कहते हैं जिसमें एक दिन में 66 माला जाप करना पड़ता है, 66 माला, अर्थात 108 मंत्र गुणित 66। अब कितना मंत्र होगा, इतना मंत्र का उन्होंने जाप किया डेली। अब एक दिन नहीं, एक साल तक इतने माला जप करने में 365 दिन में, अर्थात 66 गुणित 365 बराबर कितना माला हुआ, उतने माला का जप वो किया साल भर में। ऐसे एक साल नहीं, 11 साल और 12 साल तक जप किया गायत्री का, और गायत्री के जप करने के बाद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, न सिद्धि मिली, न चमत्कार हुआ, न उनको कुछ पता चला। उन्होंने माला को उठाई और पटक दिया नीचे, जा माला तो उधर बैठ विश्राम कर। गायत्री माता का फोटो को भी उठाया और उठा के उल्टा करके घर में रख दिया और पर्दा लगा दिया देवमंच पे, गायत्री माता आप भी विश्राम करो। और उन्होंने अपना घर छोड़ा, ताला लगाया और घर से भाग खड़े हुए। कहां गए? वो चले गए बनारस, काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने गंगा के किनारे। और वहां टहल रहे थे, घूम रहे थे, टहलते टहलते जा रहे थे, रास्ते में कई व्यक्ति मिले, कई लोगों से मुलाकात की। उधर से एक काला कपड़ा पहने हुए जटा जोड़धारी बिल्कुल कपड़ा लटकाए एक तांत्रिक आ रहे थे, तो उनको देख के उनके मन में एक जिज्ञासा हुई। उन्होंने उस तांत्रिक से पूछा, उससे पहले रामकृष्ण किया, रामकृष्ण करने के बाद उन्होंने कहा महात्मा जी आप साधक लगते हैं, आपने कोई साधना की है क्या? उस तांत्रिक ने कहा हाँ मैंने भैरव की साधना की है, भैरव की साधना की है और साधना से मुझे बहुत कुछ मिला है। माधवाचार्य ने पूछा साहब आपने साधना की है भैरव की, आपको कुछ रिद्धि सिद्धि मिली क्या? उन्होंने कहा हाँ मैंने साधना की है और मुझे रिद्धि सिद्धि मिली है। उन्होंने पूछा आपने कोई साधना की है? माधवाचार्य ने कहा हाँ मैंने भी साधना की है। कितने साल तक? बोले 12 साल तक। कोई लाभ मिला? बोले कोई लाभ नहीं मिला। क्या साधना की, कौन सी देवी देवता की? उन्होंने कहा मैंने गायत्री साधना की है, कोई लाभ मुझे मिला नहीं, मैंने साधना छोड़ दी और एकांत में यहाँ विचरण कर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ और लोगों का अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो तांत्रिक ने बताया साहब आपको भरोसा हो तो हमारी बात को मान लीजिए, आप भैरव की साधना कीजिए, भैरव की साधना हमने की है हमको लाभ मिला है, आप साधना करेंगे आपको भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा था मैं भैरव की साधना किया हूं और भैरव हमारे इष्ट हैं, जो जिस विषय को पढ़ता है, जो जिस विषय का अध्ययन करता है उस विषय का विशेषज्ञ होता है। साइंस पढ़ने वाले साइंस का विशेषज्ञ, मैथ्स पढ़ने वाले मैथ्स के बारे में जानता है, आर्ट पढ़ने वाले आर्ट के बारे में जानते हैं,
साहित्य लेके पढ़ते हैं और साहित्य के बारे में जानते हैं, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री वनस्पति विज्ञान जो भी पढ़े वो सब अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। मैंने भैरव की साधना की है और भैरव की साधना के संबंध में जो विशेषज्ञता मुझे हासिल है वो मैं आपको बता सकता हूँ। माधवाचार्य बड़े खुश हुए। माधवाचार्य ने कहा तब तो मुझे भी आप विधा बता दीजिए, मैं भी भैरव की साधना करना चाहता हूँ। बानो भाइयों, उस तांत्रिक ने माधवाचार्य को साधना का विधि विधान बताया और विधि विधान से जप करना प्रारंभ किया माधवाचार्य ने। थोड़े दिन मात्र जप साधना किए थे, उतने में ध्यानस्थ बैठे हुए थे, ध्यान में बिल्कुल निमग्न थे, आवाज आई और आवाज आई और उस आवाज ने कहा भक्त मैं तुम्हारा इष्ट हूं, तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं, आंखें खोलो आशीर्वाद ले। माधवाचार्य ने सुना, दो चार बार आवाज आई, उन्होंने आंखें खोली, सामने देखा तो कोई नहीं थे, सामने कोई नहीं थे तो उन्हें लगा कि शायद मेरे कान का भ्रम है, ये ध्वनि कहीं और से किसी और की ले आई होगी। उन्होंने फिर नेत्र बंद किया और ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में बैठे थोड़ी देर हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई और फिर से आवाज आई और उस ध्वनि ने कहा भक्त माधवाचार्य मैं तुम्हारा इष्ट भैरव बोल रहा हूँ, आंखें खोलो तुम्हें अनुदान वरदान देने आया हूँ। फिर से उन्होंने आंखें खोली, सामने कोई नहीं थे, उन्होंने बाई ओर देखा इधर भी कोई नहीं, उन्होंने दाहिनी ओर देखा इधर भी कोई नहीं, फिर उन्होंने आंखें बंद की और फिर से ध्यानस्थ हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई भक्त तुम्हारा इष्ट तुम्हें मैं बार बार पुकार रहा हूँ, तुम आंखें खोलो और हमसे आशीर्वाद लो, तुम्हें हम अनुदान वरदान से अनुप्राणित करना चाहते हैं। फिर उन्होंने आंखें खोली और देखा तो कोई नहीं थे, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कौन है, क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है और कौन मुझे पुकार रहा है। फिर पीछे से आवाज आई और उस आवाज ने कहा भैरव नाम के देवता ने कहा भक्त तुम्हारा इष्ट भैरव बोल रहा हूं, आशीर्वाद देने आया हूं, आशीर्वाद ले लो। माधवाचार्य ने कहा कौन है, कहां से बोल रहे हैं, सामने आजू बाजू दिखाई नहीं देते। तो भैरव नाम के देवता ने कहा वत्स मैं तुम्हारा पीछे खड़ा हूं और पीछे से आशीर्वाद देना चाहता हूं। माधवाचार्य ने कहा आप मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, आशीरवाद देने आए हैं, अनुदान वरदान देने आए, सामने आइए, सामने आकर के बात कीजिए और आशीर्वाद दीजिए, आप पीछे क्यों खड़े हैं। तो उस भैरव नाम के देवता ने बड़ी आश्चर्यजनक बातें कही जो हम सबके दिल को छूने वाले और हिलाने वाले। उस देवता ने क्या कहा, उस देवता ने कहा हे माधव आचार्य तुमने गायत्री की 12 पुरुषरण साधना की है, ये साधना का तेज तुम्हारे चेहरे में है, तुम्हारे चेहरे के तेज के सामने मैं पल दो पल में टिक नहीं सकता, इसलिए मैं पीछे खड़ा होकर आशीर्वाद दे रहा हूं, आशीर्वाद मांग लो। बालो भाइयों, माधवाचार्य के इस वचन को सुनकर उस देव ने ये जवाब दिया कि हम तुम्हारी साधना के सामने तुम्हारे चेहरे के सामने टिक नहीं सकते, क्यों, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में ब्रह्म तेज झलक रहा है, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता, पीछे से ही आशीर्वाद दे सकता हूँ, जो लेना चाहो आप आशीर्वाद ले। तो माधवाचार्य ने कहा हे देव आप तो मुझे कृपा करके इतनी ही बात बताइए, मैंने इतने साल तक साधना की, 12 साल तक मेरी साधना फलीभूत क्यों नहीं हुई। तो उस देवता ने कहा तुम्हारी साधना फलीभूत हुई है, तुम्हें ये पता नहीं चला, पिछले जन्म जन्मांतर के तुम्हारे प्रारब्धों को काटने में तुम्हारी ये शक्ति पूरी तरह लग गई, लेकिन अब यदि आपने गायत्री मंत्र की साधना की तो आप आध्यात्मिक प्रगति के उच्च सोपानों को प्राप्त करोगे। माधवाचार्य को भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, पुनः घर वापस लौट करके आए, फिर से देवमंच को सजाया और माला उठाया, गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ की और देखते देखते कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही दिनों बाद बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां अड़ुमा लघिमा बला अति बला जैसी बड़ी बड़ी विद्याएं कृत्या जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां उन्होंने प्राप्त की और गायत्री के बहुत बड़े सिद्ध साधक बने। उन्होंने अपने जीवन काल में एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम है माधव निदान। इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े संत बने,
ये गायत्री महामंत्र का चमत्कार था। गायत्री महामंत्र में इतनी जबरदस्त ताकत है, प्रत्यक्ष में भले दिखाई दे या न दे, लेकिन आप जाने में अनजाने में विधि विधान से या बिना विधि विधान के, चाहे मौन मानसिक चाहे उपांशु, जैसो भी गायत्री मंत्र का जप करें, उसका परिणाम न मिले ऐसा हो नहीं सकता। हर परिस्थिति में गायत्री मंत्र फलदायी है, फलवती है और हर किसी को मिलता है। इसलिए आप सभी गायत्री महामंत्र पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अपने इस जप का क्रम को नियमित और निरंतर करते रहे तो निश्चित रूप से आपकी साधना फलीभूत होगी, वो प्रारब्धों को भी काटने की क्षमता रखता है। गायत्री महामंत्र प्रारब्ध काटने की क्षमता से युक्त है और गायत्री महामंत्र के बारे में कहा गया है, गायत्री सर्व काम दुख, अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है गायत्री महामंत्र। इसलिए आप सभी गायत्री महामंत्र का जप जरूर करें। कोई भी इस दुनिया की कामना नहीं है जो गायत्री महामंत्र से न पूर्ण होती हो। अथर्ववेद कहता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। गायत्री महामंत्र में सप्त वर्चस की प्राप्ति होती है, सात वर्चस मिलते हैं। पावमानी द्विजानम, हे गायत्री माँ हमें आप पवित्रता प्रदान करें। सबसे पहले पवित्रता की प्रार्थना की गई, पावमानी द्विजानम हमें आप पवित्रता प्रदान करें, ब्राह्मणत्व प्रदान करें, द्विज का मतलब ब्राह्मण, हमें द्विजत्व प्रदान करें, हमें दूसरा जन्म प्रदान करें और इसके बाद सप्तवर्चस प्रदान करें। गायत्री मंत्र की साधना करने वाले की आयु लंबी होती है। आयु सबसे पहले, आयु मीन्स उम्र लंबी होती है। कोई कह सकता है साहब अमुक व्यक्ति गायत्री का साधक था जल्दी चला गया, ऐसा हो सकता है व्यवहार में, लेकिन गायत्री मंत्र की साधना से आयु इतनी लंबी होती है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा हमने 80 वर्ष की जीवन जिया है, लेकिन इस 80 वर्ष को यदि तौला जाए नापा जाए तो 80 वर्ष की उम्र लगभग 400 वर्ष से भी अधिक के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो एक व्यक्ति 400 वर्ष में नहीं कर सकता वो काम परम पूज्य गुरुदेव ने 80 वर्ष की उम्र में करके दिखा दिया, अर्थात उनकी उम्र लंबी इतनी हो गई। और वैसे भी उम्र लंबी होती है, आपने स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज की आयु नहीं जाना जो परम पूज्य गुरुदेव के गुरु हैं, हिमालयवासी ऋषि सत्ता जिनके बारे में कहा जाता है लगभग 700 से 800 वर्ष पूर्व के व्यक्ति है वो, और आज भी हिमालय में है। जब चाहते हैं छाया शरीर में आ जाते हैं, जब चाहते हैं स्थूल में आ जाते हैं, जब चाहते हैं सूक्ष्म में चले जाते हैं, उनको ऐसी क्षमता प्राप्त है। प्राचीन काल में हम सुनते थे कि लोग हजारों हजारों वर्ष तक जीते थे, भीष्म पितामह को इच्छा थी तो हुआ वरदान प्राप्त था, अश्वत्थामा अमर है, ऐसे कई बातें हम लोग सुनते हैं, हनुमान जी अमर है। तो आयु लंबी होती थी और आज भी हो सकती है यदि गायत्री महामंत्र का जप करे तो। वैसे आयु लंबी हो अलग बात है, लेकिन यहां तक गायत्री महामंत्र में शक्ति है कि यदि जीव चला जाए भगवान के घर तो यमराज के चुंगुल से छुड़ा लाने की क्षमता गायत्री महामंत्र में है। यमराज से भी छुड़ा के वापस ले आए। आपने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी होगी, सावित्री सत्यवान की कथा कुछ ऐसे ही है। शरीर छोड़ देने के बाद सत्यवान के पीछे पीछे लग गई सावित्री और यमराज के पास जाकर के पहुंच गई और पीछा नहीं छोड़े। यमराज ने बहुत मनाने की कोशिश की, जीते जी आप हम लोग नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मैं आ सकती हूँ, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। और जीते जी पंच तत्वों के ढांचा सहित हम लोग पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपने पति के प्राण को वापस लाया। वो देना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने ऐसी बुद्धि विवेक चलाई, क्योंकि गायत्री मंत्र के साधक की विवेक जागृत होता है, दूरदर्शी दृष्टिकोण होता है। यमराज ने कहा तुम वापस हो जाओ, हमसे आशीर्वाद मांग लो तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन सत्यवान को नहीं दे सकता। उन्होंने कहा आशीर्वाद दे सकते हैं? बोले दे सकता हूँ। कितना? बोले तीन तीन दे सकता हूँ। तो तीन तीन तो नहीं, बोले एक मैं मांगूंगी। सावित्री ने कहा मुझे केवल एक ही दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो, क्या मांगना चाहती हो? तो सावित्री ने बड़ा जोरदार वरदान मांगा। क्या मांगा?
उन्होंने कहा उनके बच्चे नहीं थे, केवल सावित्री सत्यवान थे। उन्होंने कहा मेरे बच्चे के दादी दादा सोने के थाली में भोजन करे ये मैं देखना चाहती हूं। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। यमराज ने कह दिया यू मस आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद तो दे दिया लेकिन फंस गए बुरी तरह यमराज। अब सावित्री वहां से जाए ना आए हिले न डुले। उन्होंने कहा अब तो जाओ आशीर्वाद दे दिया। सावित्री ने कहा कैसे जा सकते हो भगवान, आपके आशीर्वाद को मैं व्यर्थ कैसे सिद्ध कर सकती हूँ, आप ही ने तो आशीर्वाद दिया है। बोले क्या? बोले हमारे बच्चे अपने दादी दादा को सोने के थाली में भोजन करते हुए देखे। उन्होंने एक साथ इतने सारे मांग लिया। क्या क्या मांगा? उन्होंने नंबर एक पति देव वापस होंगे तब तो बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तभी जब पति देव वापस आएंगे, और अपने दादी दादा को सोने की थाली में भोजन करते देखे। सोने की थाली किसके पास होगा? कोई गरीब आदमी या लकड़हारा के पास तो हो नहीं सकता। अर्थात राजपाट भी मिल गया, अगर कोई राजा होगा तभी तो सोने की थाली मिलेंगे। अर्थात राजपाट भी मांग लिया, पति भी मांग लिया, बच्चे भी मांग लिए और दादी दादा को भी मांग लिया, सबको एक साथ उन्होंने मांग लिया। तो ये है गायत्री महामंत्र की ताकत। उन्होंने यमलोक से प्राण को भी खींच करके वापस ले आए। वानर भाइयों ये कथा इस सत्य पर प्रकाश डालती है कि गायत्री महामंत्र के साधक चाहे तो क्या नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र के साधक गायत्री की शक्ति से जहां जाए वहां से कुछ भी ला सकता है, क्योंकि गायत्री के बारे में कहा जाता है गायत्री सूर्य का मंत्र है और सूर्य ग्रहों का राजा है। हर ग्रह शनि ग्रह से लेकर सब ग्रह का राजा सूर्य है, और जिसका संबंध राजा से हो जाए तो फिर छोटे मोटे आदमी को डरने की क्या जरूरत है। राजा से पहुंच है, राजा से परिचय है, राजा के पास बैठे मात्र देख ले तो सब काम करने लगते हैं, इच्छा मात्र को पूर्ण करने लगते हैं। कहा गया है चालीसा में ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घने रे सब गतिमान तुम्हारे पे। जिनकी प्रेरणा मात्र से ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड संचालित होता है उस गायत्री महामंत्र में जबरदस्त ताकत है। भाइयों हम जो मांगते हैं वो मिलता है। सर्व कामधुक बच्चे मांगेंगे बच्चा भी मिलेगा, नौकरी मांगेंगे नौकरी भी मिलेगी, दुनिया की कोई भी वैभव मांगेंगे वो आपको मिलेगा। गायत्री महामंत्र से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। लेकिन एक बात है, गायत्री माता पहले पाप तो आपको धोती है, साफ करती है। ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा यदि मलमूत्र से सना हो गोदी का बच्चा, तो छोटा बच्चा को कोई गोदी लेना नहीं चाहता। हर कोई कहेगा आप दूर करो पहले सफाई करो, कोई गोदी में लेना नहीं चाहते। लेकिन माँ आती है बच्चे को दोनों हाथ को उठाती है, गोदी तो वो भी नहीं लेती, दोनों हाथ को पकड़कर बाहों को पकड़कर उठाएगी और ले जाएगी बाथरूम में, और बढ़िया सा नला धुला के साबुन लगा के लेकर के आएगी, और नए कपड़े पहना विष्णु पाउडर काजल लगा के बिल्कुल राजा बेटा बना के सामने लाती है। फिर राजा बेटा बन के जब वो आता है तब और एक थोड़ा सा मुस्कुरा देता, हर कोई आकर्षित हो जाता है, कहता है बच्चा बड़ा सुंदर है बड़ा प्यारा है, बच्चे को हमको दो ना गोदी में, वो भी गोदी गोदी में लेके घुमाना चाहता है। कब? जब बच्चा को नला धुला के साफ करके ला दिया तब। ऐसे ही गायत्री माता अपने बच्चे को हम और आपको अपनी गोद में लेना चाहती है। लेकिन गायत्री माता भी परेशान है, वो भी देखती है कि ये बच्चा मलमूत्र से सना हुआ है, ये बच्चा लोभ में सना है, मोह में सना है, अहंकार में सना है, ईर्ष्या द्वेष घृणा जलन गुड़न राग द्वेष लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद चारों ओर से घिरा हुआ है। ये क्या है? ये मलमूत्र है, इससे सने होने से हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो पाती। तो गायत्री माता वाला गोदी में कैसे उठा सकती है? कोई माता दुनिया की माता अपने बच्चे को गोदी में नहीं ले पाती, तो डिवाइन पावर दिव्य शक्ति आदि शक्ति माता वो हमें गोदी में ले सकती है क्या? कभी नहीं ले सकती। इसलिए सबसे पहला काम करती है गायत्री माता धुलाई सफाई, पहले झाड़ू लगाती है पोछा मारती है, कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार अंत चतुष्टय की सफाई करती है। अंत चतुष्टय जब साफ हो जाता है तब फिर गायत्री माता अपनी गोदी में लेती है, फिर चरणों में नहीं गोदी में स्थान मिलता है।
तो हम भी अपने आप को ऐसे पवित्र बना सकें तो निश्चित रूप से गायत्री माता हमें अपने अनुदान वरदान से भर देगी। बनवाइयों एक का और करती गायत्री माता, जिनसे गायत्री माता का परिचय हो जाए। गायत्री माता शुरू में तो देती है, सबको देती है, लेकिन ज्यादा पुराने साधक हो जाए तो गायत्री माता देना बंद कर देती है। ये आप ध्यान रखना। नए साधक जो भी आते हैं गायत्री जपते हैं उनको कुछ कुछ मिलता है, और जब पुराने होते जाते हैं तो धीरे धीरे देना तो बंद, उल्टा समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाती है। तो आपको लगेगा कि उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं सीधा हो रहा है। गायत्री माता धीरे धीरे कसती जाती है, कष्ट परेशानी में डालती जाती है और उसे पकाती है, मजबूत बनाती है, साधक बनाती है। आपको लगेगा कि आप तकलीफ आ गया, हम पुराने साधक हैं, पुराने साधक के घर में भी कठिनाई आती है। जैसे छोटे बच्चे को उनके सामने आप कागज का मुखौटा लगा लीजिए और मुखौटा लगा करके उसको डराइए तो छोटा बच्चा डर जाता है। लेकिन छोटा बच्चा को जिस दिन पता चल जाए ये मुखौटा लगाने वाला तो मेरा पिताजी है तो छोटा बच्चा कभी डरने वाला नहीं है। कभी आप सही वाला तलवार को घुमाइए कोई भी डर जाएगा, लेकिन थर्माकोल का तलवार हो, थर्माकोल वाला तलवार को बच्चे के सामने जाके ऐसे ऐसे तलवारबाजी कीजिए तो आपका बच्चा उससे डरेगा क्या? कभी नहीं डरने वाला, वो जानता है कि ये थर्माकोल है। असली वाला तलवार भी यदि आप बच्चे के सामने घुमा दें तो आपका बच्चा नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पिता है, मेरी माँ है और ये मुझे मार नहीं सकती, चोट नहीं पहुंचा सकते, हाँ मजाक जरूर कर सकती है, तो इसलिए बच्चा नहीं डरता। ऐसे ही गायत्री मंत्र के साधक के समक्ष गायत्री माता थोड़ा थोड़ा कष्ट परेशानियों को डाल देती है, गायत्री माता थोड़ी समस्या में डाल देती है और पकाना चाहती है, मजबूत बनाना चाहती है, हमारे प्रारब्धों को काटना चाहती है। जो भक्त घबरा जाता है वो घबरा जाता है, वो चुप जाता है, लेकिन जो भक्त पक्का होता है वो गायत्री माता से कहता है, हे गायत्री माता मुझे मुसीबत दीजिए, मुझे कष्ट और परेशानी दीजिए, लेकिन इससे जूझने की क्षमता भी दीजिए, सामर्थ्य भी दीजिए, जैसे माता कुंती ने कभी मांगा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ बुआ तुम भी कुछ मांग लो, तो उन्हें बुआ कहते थे, बुआ से कहा तुम भी कुछ मांग लो, उन्होंने कहा हे कृष्ण कन्हैया आप देना ही चाहते हैं तो मुझे मुसीबत दीजिए, मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे समस्याएं दीजिए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा जब मेरे पास समस्याएं रहेंगी मुसीबत रहेगी तो मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं, और सुख रहेंगे साधन रहेंगे तो मैं भूल सकती हूँ, अहंकार आ सकता है भटक सकती हूँ। इसलिए वास्तव में जो भक्त होता है वो समस्याओं में मुसीबतों में जीवन जीता है। हमारे ऋषि मुनि फकीरी का जीवन जीते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं, जंगल में कहीं है फक्कड़ है, जहां मिल गया खा लिया, नहीं मिले तो रह गए, तो क्या है भगवान पर भरोसा रखते हैं। जिन्होंने जीवन दिया इतनी सुविधाएं दी जिंदगी दी, वो जिंदगी छीन नहीं सकता, वो देता ही रहता है, उन पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। भगवान करे आप भी अपनी गायत्री माता के प्रति, इष्ट आराध्य के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा बनाए रखें, इन्हें परीक्षा और कसौटी माने, क्योंकि गायत्री माता पकाती है। और सच कहा जाए तो गायत्री माता किसी को कुछ देने से पहले हजार बार सोचती है। जैसे छोटा बच्चा खिलौना मांगे कोई भी लाके खिलौना दे देते हैं, छोटा बच्चा टॉफी मांगे तो टॉफी दे देते हैं, बिस्किट मांगे तो बिस्किट दे देते हैं, लेकिन छोटा बच्चा बंदूक मांगे तो कोई देगा क्या? बंदूक कोई नहीं देगा। कटार मांगे छुरा कैंची मांगे तो नहीं देगा, लग जाएगा हाथ कट जाएगा। सब्जी काटने की चाकू पकड़ ले तो आप कहेंगे अरे अरे क्या कर रहे हो, इससे हाथ कट सकता है, आप छीन लेते हैं नहीं छूने देते। ऐसे गायत्री माता से आप कुछ भी मांगे और आपको मिल जाए ऐसे नहीं होता। गायत्री माता देखती है कि वास्तव में भक्त को आवश्यकता है क्या, यदि आवश्यकता है जरूरी है अनिवार्य है तो वो देती है, और हमारी महत्वाकांक्षा यदि है तो गायत्री माता देने वाले हाथ पीछे कर लेती है, वो फिर देती नहीं है। और सच कहा जाए तो गायत्री माता किसी को कुछ देती नहीं है, बल्कि भक्त अपने तप की शक्ति से गायत्री माता से अपनी ओर खींचता है,
ठीक वैसे ही जैसे बादल को पेड़ पौधे अपनी ओर खींचते हैं, शरण पेड़ पौधे हैं उधर बारिश ज्यादा होती है और मरुभूमि में बारिश नहीं होती, ऐसे भक्त गायत्री की शक्ति को खींचता है अपने श्रद्धा और विश्वास की ताकत से। एक बात और है, गायत्री माता देती तो बहुत कुछ है लेकिन वो कुछ नहीं देती, केवल एक चीज देती है, भक्त की इच्छा को समाप्त कर देती है। भक्त में कोई इच्छा नहीं रह जाता मांगने की, और भक्त की इच्छा समाप्त हो जाती है तो भक्त क्या कहता है, न त्वहं कामे राज्यं न सौख्यं न पुनर्भवं न कामे दुःख तप्तानां प्राणिनां आत्मनाशनम्। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, मुझे न बंगला चाहिए न कोठी चाहिए न कार चाहिए न तिजोरी चाहिए, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए क्योंकि आज आएंगे और कल नष्ट हो जाएंगे, ये सब नश्वर है, मुझे नश्वर होने वाली चीज नहीं बल्कि अनश्वर चाहिए, आप चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान से कृष्ण को मांगा, दुर्योधन ने उनकी चतुरंगिणी सेना को मांगा, ऐसे ही हम अपने जीवन में भौतिक समृद्धियों को न मांगे बल्कि भगवान को मांगे, क्योंकि जड़ का अपना अस्तित्व नहीं है, जड़ भी बना है चेतन से, इसलिए चेतन को पकड़े रहे तो जड़ अपने आप पैदा होगा, इसलिए हम चेतन को दोनों ही हाथ से पकड़े रहे अपनी श्रद्धा और विश्वास की डोरी से, तो निश्चित रूप से हम माँ गायत्री को प्राप्त कर लेंगे, हमारा जीवन धन्य बनेगा। असल में हम गायत्री से अलग नहीं है, जो गायत्री है उन्हीं के अंश हम है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, इसलिए समस्त संभावनाएं हमारे अंदर है, हम टिमटिमाते हुए दीपक हैं तो क्या सूर्य के ही तो अंश हैं, हम छोटे से बूंद है जल का तो क्या समुद्र का ही तो अंश हैं, इसलिए हम नारायण नर हैं तो क्या नारायण के ही तो अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर समस्त संभावनाएं हैं, बांस का टुकड़ा है तो क्या बांसुरी और बंसी की आवाज सुर लहरी उसी बांस से निकलती है यदि सुराग किए जाए और विधिवत बनाए जाए तो। हमारा एपन तत्व का हमारा ढांचा दिखता पर है लेकिन हमारे अंदर चेतन आत्मा है, वही वास्तव में गायत्री का अंश है, उसी को हम जगाते हैं, उनकी शक्ति से मन चाह फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीवन प्रत्यक्ष देवता। आप भी अपने इस जीवन के देवता को संवारें सजाएं निखारें तो निश्चित रूप से गायत्री शक्ति हमारे अंदर आती भी चली जाएगी, ऐसी दिव्यता को धारण करें, भगवान करे आप गायत्री की साधना करके गायत्री से रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त करके ईश्वर के चरणों में स्थान जीवन में पा सकें, ऐसी शुभकामनाएं मंगल कामनाओं से। आइए अब हम लोग यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। आइए कमर से निकल लें, अग्नि स्थापना करें, प्रथम पाली पूरा हो जाए फिर हम संस्कारों का क्रम करेंगे। गायत्री ओ नमः प्रचोदयात् स्वाहा।
वितुर्वरेणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा यत्स वितुर्वरेणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो की गई है ऊपर। हाँ, यदि वो थोड़ा हो तो विलंब हो सकता है। आप हाँ एक में बैठिए, और जो हमारे यज्ञ के दाईं तरफ स्वाहा
इतने देव भाव भी प्रकट कर ले पाए आप सभी श्री का मन का स्पर्श करें। ओम चित्रोपिणी महाकरे ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम गो को कहे उन मंगो भी स्पर्श करते चले। ओम पृथ्वी पूजनम आप लोगों के लिए प्रसाद कर नमन वंदन करें। ओम पृथ्वी तस्मा पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सहारणम। कलावा भी बांध दे सभी को कलावा दे दे। जब विवाहित माताएं बहने हैं उल्टा हाथ में बांधेगी बांधेगी बांध दे। ओम सतीन दीक्षा माप्तो। अब सभी लोग हाथ जोड़ करके नमन वंदन करें। ओम नमो अनंताय सहस्र नामने पुरे युग धारिणे नमः सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। विद्यारम्भ संस्कार और दीक्षा संस्कार और कोई सा दीक्षा और कुंसवन कुंसवन वाली बहने जरा हाथ ऊंचा करें। दस ठीक है और कहीं होंगे दाया बाया ठीक है। इन तक जड़ी बूटी पहुंच गया जड़ी बूटी संक्षिप्त कर्मकांड होगा। आइए सुने मानव जीवन के उत्थान उन्नयन के लिए के बाद इस मनुष्य जीवन की संपूर्ण यात्रा से तो सबसे पहला संस्कार जो होता है वैसे पहला किसी को नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप में सब पहला है लेकिन हम मान लें जन्म के पहले वास्तव में पुंसवन संस्कार मन चाहे संतान प्राप्त करने का लेकिन कब जब वातावरण को ऐसे बनाए होती है वही यहाँ होती है। अन्य जगह की चीज जब आप मनोभूमि को अच्छे से बनाएंगे उत्तम किस्म की मनोभूमि चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या क्या अपना नाम बताएं और कहाँ से आए आप? मेरा नाम नवल सिंह यादव है। हम लोग गौ सेवा समिति के सदस्य हैं जो माँ गायत्री शक्तिपीठ पे आए हैं जो ये हवन में है। यहाँ पे हम लोग कलश यात्रा में भी आते हैं दीप यज्ञ में भी आते हैं। तो हम लोगों का जो माध्यम है घर घर जा कर के शिक्षा अभियान शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाना है। और तो माँ गायत्री शक्तिपीठ जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है जो घर घर गांव गांव जाके संस्कार शाला खोल रहा है संस्कार दे रहा है समाज सुधारक कार्य में लगा हुआ है। तो हम लोगों के जो समर्था गांव से युवा मंडल आया है मंदिर पे ये यहाँ पे हर लोगों को जागरूक करेगा शिक्षा की ओर बढ़ाएगा और यहाँ पे सभी लोगों की सेवा के लिए तत्पर 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहेगा। जब भी हमारी हर किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसकी मदद करेंगे सहायता करेंगे। और हमारी जो मंडल युवा आए हुए हैं अजय यादव राम किशोर यादव राहुल भाई हमारे और अनिकेत भाई आकाश भाई हमारे राजेंद्र भाई और हमारे समस्त युवा और अभी आने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे जब तक कार्य जय परम पूज्य गुरुदेव की जय परम वंदनीय माता जी की जय। तो आप वहाँ जा करके देखेंगे तो मैं यहाँ कब बोलता हूँ साठ मिनट आपको मैं संस्कार कराता हूँ केवल इतना बताए आपको मुबारक लेकिन अब सावधान हो जाइए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन लेकिन जैसा खाए अन्न वैसा बने शरीर। उत्सव संस्कार के लिए आप जैसा अन्न खाएंगे बच्चे का वैसे शरीर बनता है। हमारे शांतिकुंज के कार्यकर्ता है नमनारायण पांडे जी वैसा वो अक्सर उदाहरण बताया करते हैं। उन्होंने बताया कि बचपन के उनके एक मित्र थे उस मित्र को उन्होंने पूछा आपको वर्जित है आप बाद में खा लेना लेकिन अभी आपको वर्जित है क्या वो रानी की तो पड़ोसन की वो क्या है कैसा है कौन सा मंगलसूत्र इससे दूर रहना है। ऐसा वातावरण को कोई बनाने की कोशिश नहीं होती लेकिन टीवी में दिन भर खड़े रहना फेसबुक में खड़े रहना व्हाट्सएप पे खड़े रहना ये आपके लिए नुकसानकारक है। तो आप फेसबुक व्हाट्सएप में आप तो बहुत अच्छे हैं सब दृष्टि से ठीक है लेकिन पारिवारिक परिवेश को बिगाड़ने वाले कई लोग हो जाते हैं परिवार में तो उनसे सावधान रहे। और तो आपने सही किया लेकिन कुछ ऐसे सावधानियां हैं। सर अपना नाम क्या है और कब से गायत्री परिवार से जुड़े हैं? मेरा नाम शंकर लाल नेता मैं 96 से शांति
समय दान दिया हूँ और वहीं रहते वहीं हम लोग रह रहे हैं। पहले तो मैं अकेला था, परिवार सहित हम लोग आप गायत्री परिवार से जुड़ने का अनुभव बताएं। मैं गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद हमको गुरुजी के से जुड़े तो हम पहले छोटे थे, हम इस मिशन से जुड़ने के बाद हम लोग एक अच्छे रास्ता मिला और गुरुजी ने हम अच्छे रास्ते में प्रेरणा दी कि आज हमको जितना हम घर में रह के ये चीज़ अनुभव नहीं कर सकते थे, ना देख नहीं सकता था क्योंकि छोटे उम्र था उसमें, 16-17 साल की उम्र में मैं यहाँ आके मैं लोग तो धन्य हो गए क्योंकि मैं पढ़ भी पाता या नहीं पाता, जितना हम पढ़ाई करके अनुभव जीवन का शैली जीवन जीने के लिए एक धार्मिक रास्ता में चलने के लिए प्रेरणा जो है शांति कुंज से हम लोग को मिली और फिर हम इसी काम से लगे अभी तक अब चल रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। हम लोग हर साल कार्यक्रम में जाते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं हर समय और शांति कुंज से कार्यक्रम बनते हैं इसमें हमारों का सहयोग करेंगे। अब बहन जी गर्भ से स्पर्श कराएं फिर खाली प्लेट में समर्पित करें। अब आश्वासन, यदि परिवार के लोग आए हैं साथ में, पति देव हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं या परिवार के कोई हैं, मम्मी पापा हैं, कोई भी साथ में आए हैं तो पास में आ जाएं और गर्भवती बहन के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखें, हाथ को गर्भवती बहन के कंधे के ऊपर रखें और उन्हें आश्वासन दें हम मिलजुल कर शिशु का निर्माण करेंगे। विधाश्या में अपना आचरण और व्यवहार को अनुकरणीय बनाएंगे, जो अनुकरण किया जा सके ये इसके पीछे भाव था। कक्षो मंगलाय तनो हरि चलो दीजिए घी खीर लाए फिर खीर कटोरी एक बार जिसे प्रसाद रूप में लेंगे एक बार जिसे किया जा रहा है। ओम वाया हरि विद्राम वाया ओम श्री आत्मा जी को निशान दाग तो रहे अब आप सब लोग गीत में कटोरी रख के हाथ में फूल जाओ फूल चावल लेकर संकल्प करें पति पत्नी दोनों में। गायत्री माता की जय। Yeah.
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायो Vargo Devasa Dhimahi
धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं भर्गोः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः भर्गो देवस्य धीमहि नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं समर्पित है। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा यज्ञगायत्री मंत्राहुतिः भगवान भोर भास्कर को आहुति समर्पित है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ बृहर्प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ॐ सजलशक्ताय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा इदं महापरि कुस्वाहा। इन सभी भगवान भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु साथ ही श्रीमती निशा शर्मा शांति मिश्रा इन भगवान भाई के भी स्वास्थ्य लाभ हेतु साथ ही हरेंद्र तिवारी जी आरवी सिंह हिमांशु रायकवार इन दोनों मान गायत्री देवी के स्वास्थ्य लाभ हेतु ये आहुति महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित की जा रही है। गायत्री ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं पुनसुन संस्कार के लिए जो आई है माताएं बहने वो खीर की कटोरी ले लें विशेष आहुति समर्पित करेंगी। स्वाहा इदं
आरती के थाल है, दीपक जला लें, आरती सजा लें। Oh,
रेखा निकाले उसे चार जगह लगाए जहाँ मंत्र में बताया गया है, कोशिश की है। तो आइए जो कुछ गलती हो गई है उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा याचना। ओम के द्वारा तिलक दुपट्टा प्रसाद ढक करके कर्ष दिया जाएगा, कर्ष देने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। बोलिए राष्ट्रपति महाकाले की जय। आपकी भाइयों और बहनों आज बहुत पावन दिवस है, 24वें यज्ञ का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्रा मंगलम पृथ्वी का मंगलाय करो हरि। कहाँ से बना क्या पर तालियां बजाइए, जल्दी गांव में जाइए।
तो इनके पिताजी ने बताया, उनके पिताजी का एक्सीडेंट कर दिया। राजेंद्र बाबू स्कूल का हो गया, मणिराम श्रीमती कपूरी शर्मा और मणिराम सेन। हाँ आइए फिर, हाँ आइए आइए। अरे कोई भी ले लो, बहन जी शक्ति है, शक्ति तो शक्ति के गुरु गायत्री माता की। ओम त्र्यंबकमे जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं ये मोबाइल नंबर है, बच्चे में भी लिखा हुआ है, आप उनको दे देंगे तो शुक्र
मिल जाएंगे, हमारी बहने पहुंचेंगी और डॉक्टर प्राणी लौट आएंगी और मैं पट्टी निकलेगी पट्टी और प्रसाद पाके प्रसाद पाके इसको मिलाई देंगे पुष्पक से इकट्ठे कर लीजिएगा। आदरणीय द्विवेदी जी, संजीव जी, आदित्य जी, आप सब ने मिलकर के बड़े अपने सतत प्रयास समय संसाधन लगाकर इस कार्यक्रम को सफल किया, लेकिन ये कार्यक्रम की शुरुआत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई गई है, लेकिन ये अब आगे का कार्यक्रम जो युग सज्जता कार्यक्रम है जहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगा है इसको सफल बनाना है, हमें अपना मूल समय सिर्फ साधन लगाकर सफल बनाना है और इस कार्यक्रम में समय समय पर अपना सहयोग सभी देते रहेंगे जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश स्तर का जो प्रांतीय स्तर का युग सज्जता कार्यक्रम सफल होने जा रहा है उसमें सभी प्रकार की सफलता और कसौटी पर हम सब खड़े उतरे। ये रजत जयंती के रूप में एक प्रयास का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, उस प्रयास के क्रम में हम आपको आगे करते रहेंगे। आप सब यहाँ पधारे, साधु जयकार से पधारे वाले भाई समय पर यहाँ आए, बड़े विद्वत व्यक्तिमंडलों के माध्यम से परम गुरुओं के संदेश के द्वारा गीतों के द्वारा वाणी के द्वारा आप सबने हम सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, हम सब लोग आपके सतत आभारी हैं और भी भाई बहन यहाँ यज्ञ उपस्थित रहे, सेवा कार्य में आप सबने सहयोग किया, अपना समय लगाया, साधन दिया, चाहे भोजन व्यवस्था में लाइट का सफाई सुरक्षा यज्ञ की व्यवस्था सभी में भाई बहनों को बड़ा योगदान दिया, उसके लिए हम सब लाइटिंग आपके सतर्क आभारी हैं, सभी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सभी तरह थोड़ी कथा कर रहे हैं, सभी लोग गायत्री मंत्र साथ बोले यो यो ये छोटी सी है किसी विदाई सत्र हरिद्वार की आपको सौंप रहे ये संजीव के समन्वय के सभी लोग ताली बजा के वंदे देव मातरम वंदे